रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भारत के पांच सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य। एक, रूपकुंड की झील। यह झील उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है। इस झील और झील के आसपास के काफी बड़े क्षेत्र में इंसानी हड्डियां फैली पड़ी हैं। 1942 में यहां सबसे पहले हड्डियों को देखा गया था। तब से आज तक यहां सैकड़ों लोगों की हड्डियां मिल चुकी हैं, जिनमें हर उम्र और हर लिंग के लोगों की हड्डियां शामिल है। यह हड्डियां किन लोगों की थी और उनकी मृत्यु यहां कैसे हुई, इस बारे में आज भी हमें ठीक ठीक जवाब नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन समय में यह तीर्थ स्थल हुआ करता था। यहां आने वाले सैकड़ों लोग किसी आपदा में फंसकर मारे गए थे। दो, ये थी हिमालय क्षेत्र में जाने वाले लोग अक्सर बड़े वन मानुष जैसे जानवर को देखे जाने की कहानियां सुनाते हैं। हिमालय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस जानवर के अस्तित्व को सही मानते हैं, परंतु अब तक ना ही इस जानवर की कोई तस्वीर मिल पाई है और ना ही इससे जुड़े कोई दूसरे सुराग। तीन, उत्तर प्रदेश की एलियन घटना। साल 2002 की एक रात उत्तर प्रदेश के एक गांव में घर के बाहर सो रहे लोगों पर एक अनजान उड़ती हुई चीज ने हमला कर दिया। लोगों के मुताबिक यह एक तश्तरीनुमा चीज थी जिसमें से लाल और नीली रोशनी निकल रही थी। बहुत सारे लोगों को चोट आई और 7 लोग मारे गए। सरकार ने कई सालों तक इस घटना की जाँच की, परंतु इस जाँच तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। चार, छत्तीसगढ़ की रॉक पेंटिंग। हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक गुफा में 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग ढूंढी गई है। शुरुआत में इस रॉक पेंटिंग में कुछ भी असामान्य नहीं था। इसमें इंसानों और जानवरों की तस्वीरें थी, परंतु फिर एक तस्वीर ने खोजकर्ताओं को परेशान कर दिया, क्योंकि इस तस्वीर में एलियन द्वारा कुछ इंसानों को किडनैप करके ले जाते हुए दिखाया गया था। स्थानीय कहानियों में भी इस बात का जिक्र आता है कि पुराने जमाने में एलियन उड़ना तश्तरी से आते थे और उनके लोगों को अपने साथ ले जाते थे। पाँच, प्रहलाद भाई। प्रहलाद भाई वे साधु हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने 75 सालों से कुछ नहीं खाया। प्रहलाद भाई का जन्म 1929 में हुआ था और वे 7 वर्ष की आयु में घर से भागकर सन्यासी बन गए थे। सन 2002 में डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अपनी निगरानी में रखा और उन्हें केवल पीने के लिए पानी दिया। कुछ भी न खाने के बावजूद इन 10 दिनों के दौरान प्रहलाद भाई के स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा असर नहीं हुआ था।